क्या हुआ भाई, कैसे उदास बैठा है? क्या बताऊं यार, खर्चे तो इतने ज़्यादा हो गए और इनकम का कोई सोर्स नहीं है। लोन भी भरना है और रेंट भी देना होता है, और तुझे पता ही है इस टाइम मेरी कोई जॉब भी नहीं है। अच्छा ये बात है। तो उसको जानता है अनूप को, जो हमारे साथ पढ़ता था कॉलेज में? उसका एक गैराज है और उसको एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, और तुझे एक तो पता है ही, तुझे ऑटो पार्ट्स की कितनी नॉलेज है, तू वहाँ ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है भाई, तो कर लेना उससे बात, मैं कर लूँगा वहाँ पर जॉब। तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ बात। अरे तेज आज चला ला, जल्दी काम कर, और भी गाड़ियाँ उनका काम भी फाइनल करना है आज ही। भाई रुके रो, इतनी सारी गाड़ियाँ, अकेला बंदा काम करने वालों को कैसे करूँगा काम, ये तो बताओ। काम करो तुम आराम से कम से कम। और अनु भाई क्या हाल है? अरे कपिल भाई क्या हाल चाल है, और सुनाओ। बैठो बैठो बैठो। अरे ना भाई, अरे एक बात कोई ना हो, बैठो बैठो सही। और बताओ क्या हाल चाल है, और काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम कहा यार, काम वाम ऐसे ही चल रहा, कोई मिस्त्री रुकने को भी राजी ना हो, गाड़ी हो रही ज्यादा और मिस्त्री है एक। भाई तुम टेंशन मत लो, मैं भी वैसे भी फ्री हूँ, तो आज से तुम्हारी दुकान पे मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। अरे आज तो बढ़िया, कोई बात ही ना रहेगी यार, फिर तो एक काम कर, आज सो अभी सो आ जा। ना भाई मैं कल सुई आऊंगा, आज सुनो। चले ऐसा कर लियो, पर आ जियो टाइम से फिर, ठीक है? ठीक है भाई। हेलो कपिल, तू कल की ना छुट्टी ले लेना। क्यों? अरे वो लड़की नहीं है जिसको तू पसंद करता था, अरे हमारी कॉलेज फ्रेंड और तेरा प्यार। हाँ कल उसका बर्थडे है, हाँ उसने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया सबको। नहीं यार तू ही चला जाइयो, अभी मेरे जाने के हालात नहीं है। वो कहाँ और मैं कहाँ? यार तू इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा है, कल मैं तुझे लेने आऊंगा अपने घर के बाहर, तैयार मिलियो मुझे। चल ठीक है यार आ जाइयो। और बता क्या मौज आ रही है? अभी मैं काम कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ। ओके बाय। यार उसका बर्थडे है पर मेरे पास तो कोई गिफ्ट ही नहीं है, ऐसे खाली हाथ जाऊं मैं? मैंने कुछ और सोचा है, उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा तू, मतलब तू उसे प्रपोज करेगा। भाई यार अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो? अरे तू बैठ तो सही, सब कुछ मैं देख लूंगा, तू बैठा। यार तू फंसवाएगा आज। चलो Happy birthday baby, you are looking so hot. Happy birthday and you are looking beautiful. Happy birthday. आज चल केक काटू ना? अभी थोड़ी देर वेट करो, कोई आ रहा है फिर काटेंगे। यार हनी तू ले तो आया पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, बस तू अपने दिल की बात कह दियो। कोशिश है भाई कहूंगा, आज तो पक्का कह दूंगा, इतने दिन से नहीं कह पाया पर आज पक्का कह दूंगा। हैप्पी बर्थडे आचल, हैप्पी बर्थडे आचल। यार आचल एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो काफ़ी टाइम से नहीं कह पाया। यार मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये अब से नहीं कॉलेज टाइम से करता हूँ, पर कभी तुमसे मैं कह नहीं पाया, पर आज बहुत हनी के कहने पर मैंने हिम्मत जुटाई है और मैं आज तुमसे ये बात बोलूँ। तुम पीवी के आए हो क्या? नहीं मतलब तुमने अपनी औकात देखी है, तुमने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में इतना गंदा। तुम छोटे लोगों की यही तो दिक्कत होती है, कोई उंगली पकड़ाए तो तुम हाथ पकड़ लेते हो। औकात में रहना सीख लो अपनी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? यार देखो ना इस गवार को, इसने मेरा सारा बर्थडे खराब कर दिया उल्टे सीधे कमेंट करके। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गया? तुझे तो तेरी औकात दिखानी पड़ेगी, निकल जा यहां से भी और गैराज से भी, और शक्ल मत दिखाना मुझे दोबारा। अरे बस करो यार तुम लोग, इतना भी क्या बुरा कह दिया इसने? जब तुम्हें लोग हॉट एंड सेक्सी कहते हैं जब तो तुम्हें ये गंदे नहीं लगते वर्ड्स, इसके वर्ड्स तुम्हें गंदे लगने लगे? इसने अपने दिल की बात क्या कह दी, तुम्हारे सर पर पार टूट गया? मैं क्या सोचता था तुम दोनों के बारे में और तुम दोनों क्या निकले, वक्त वक्त की बात है, आज तुम दोनों का है कल हमारा भी आएगा।
कोई टिकदा हो दुनिया बाजार मंडी पैसे दी बनी टके टके वेखिया प्यार बिकदा थुक थुक के चट ले। यार छोड़ो ना उन लोगों को, उनके चक्कर में क्यों अपना बर्थडे खराब कर रही हो। केक काटो। अरे अनूप कहाँ है? कहाँ है अनूप? क्या हुआ भाई साहब? अरे जब मैं कल गाड़ी छोड़ गया जब यहाँ टर्मिनल भी चल रहा है, गियर भी लग रहे हैं, यहाँ बैक गियर ना अभी बैक गियर पकड़ रहे हैं, गियर लग रहे। एक तो सही काम कर लेने, ये सारे बाज अड़े हम मारोंगे फेंक के, समझ भाई ना बात। करवा दूंगा मैं, ठीक हो तो बता रहा हूँ, ढंग में आ जा। मैं करवा दूंगा, ऐसे चेक कर ले। करवाएगा कब दू तू यार? कद करवाएगा नहीं बताते ना कि बेज तेज कर दी तो मैं कहीं मो जाना हो कहीं। अब यार कैज तेज भी पड़ी है, मैं कहा यार धूप में लेके कौन डोलूंगा आप? अगर यू कहीं खराब हो जाती मैं तो खड़ा हो जाता। अगर दिक्कत सुनो से, अगर दिक्कत हुई है मैम चेक कर लेंगे, कोई परेशानी ना हो तो उसको पैसा है चेक तो कर ले करनी हूं। पकड़ चाबी अरसांस तक मो ठीक चाहिए, अगर ना मिली ना तो भादड़ा हम मारूंगा फेंक कर देख लूंगा तेरी हिमायती में भी। भाई साहब गाड़ी ठीक हो जाए, कोई दिक्कत। भाई तू क्यों सोच रहा है यार कल वाली बात को? मिल जाएगी तुझे जॉब, इतनी अच्छी नॉलेज है भाई तुझे ऑटो पार्ट्स की। यार भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली, हर जगह ट्राई कर लिया, सबसे फ़ोन करके बोल दिया, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही। तू ही बता मैं क्या करूं। भाई कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। ऐसे हार मान के बैठेगा तो बात कहाँ बनेगी यार। वैसे यार जिस कंपनी में तू और तेरे पापा काम करते हैं वो भी तो ऑटो पार्ट्स ही बनाती है, तो अपने पापा से बात कर लेना, मेरी उस कंपनी में जॉब लग जाए तो। अरे भाई ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं, मैं आज ही पापा से बात करके बताता हूँ तुझे, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। भाई यार कर ले, क्योंकि अब तो मेरी सेविंग्स में नहीं बची है, मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं, और अगर मुझे ये जॉब भी नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है यार। जब तक तेरा भाई है ना तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चल हम मुस्करा दे थोड़ा। पता नहीं यार कितना टाइम और लगाएगी, इन लड़कियों के यही ड्रामे होते हैं। बहुत टाइम लगा दिया यार आने में। यार टाइम का छोड़ो, कल हम मसूरी जा रहे हैं ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ यार चलेंगे, लेकिन इस महीने नहीं, इस महीने काम ज्यादा है, अगले महीने चलेंगे। यार तुम्हारा हर बार का यही है, काम काम काम, मुझे तो इम्पोर्टेंस देते नहीं हो। अरे सुनो तो सही मेरी बात, एक मिनट, गुस्सा मत हो। यार मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। यार सुनो तो सही, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। सुन तो सही। चल हनी भाई जल्दी खड़ा हो, फिल्म निकल जाएगी सारी। ना भाई मेरा मूड ना आज, फिल्म विलम कैंसिल कर। क्यों तेरे मूड का हुआ? यार क्या बताऊँ तुझे, तो पता ही है लॉकडाउन के बाद कितना बुरा हाल हो गया है काम का। तो बॉस चाहते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट के लिए उन्होंने किसी से पार्टनरशिप के लिए बात करी है। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो एक प्लांट खोलना चाहती है हमसे टाई अप करके, बट उनकी शर्त ये है कि उनको ऑन रोड ही जमीन चाहिए जहाँ वो प्लांट लगा सकें। अच्छा तो ये बात है। सुन मेरी नज़रों में एक जगह है ज़मीन बहुत अच्छी, अगर वो ज़मीन सही में बिच रही है तो उससे अच्छी ज़मीन हमें कहीं नहीं मिल सकती। कहाँ पे? अनूप का गैराज। पागल हो रहा है क्या, वो अपना गैराज क्यों बेचेगा? भाई एक बार मैं उसके गैराज के सामने से निकल कर आ रहा था तो मैंने देखा उसकी शटर डाउन है और उस पर लिखा हुआ था फोर सेल, तो मैंने उसका नंबर ले लिया है। तू एक बार उससे बात कर ले, अगर वो अपने गैराज को बेचना चाह रहा हो तो वो सबसे बेस्ट ज़मीन होगी, पर हाँ उसको अपनी आइडेंटिटी मत बताना कि कौन बोल रहा है। नंबर मिला के दे दो उसका, और नए नंबर से मिले ही हो, कभी पुराना से ही हो।
हेलो। हाँ जी मिस्टर अनूप बोल रहे? हाँ जी बोल रहा हूँ। हमको पता चला है कि आप अपना गैराज बेचना चाहते हो। हाँ जी आपने बिल्कुल सही सुना है। हाँ जी वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डील, हम आपको कॉल करके बताते हैं। ठीक है आप बता देना मुझे, कोई बात नहीं। यार ये तो सही में बेच रहा है अपना गैराज, अब मैं ये बात पापा को बताता हूँ। हेलो पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। पापा जो वो उस प्रॉपर्टी के लिए कह रहे थे ना, ऐसी मुझे प्रॉपर्टी मिल गई है और मैंने उनसे बात भी कर ली है, वो इस डील में इंटरेस्टेड है। ठीक है बेटा बॉस से बात करके बताता हूँ। ठीक है तो आप बॉस से बात करके बता दो। ओके पापा जी। यार तू टेंशन मत ले, ये डील अपनी ही है। हाँ भाई अब देख कैसे उसको मैं जा चकाता हूँ। पापा कॉल आ रही है। हाँ जी पापा जी। मैंने बॉस से बात कर ली है, तुम दोनों कल चले जाओ, किसी भी तरह ये डील फाइल ना होनी चाहिए, फिर तुम दोनों का प्रमोशन पक्का। ओके पापा जी आप टेंशन मत लो। हाँ ओके कल डील फाइनल नहीं चाहिए। ओके पापा जी आप टेंशन मत लो, हम डील फाइनल करके ही आएंगे। हाँ जी ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर हम कल आ रहे हैं, आप कल फ्री हो ना? ठीक है तो कल आ जाइए आप, मैं आपको गैराज में मिलूंगा, इंतजार करूंगा मैं आपका। ओके सर हम कल आते हैं। ओके ओके। भाई डील डन हो गई, इससे अच्छी डील तो मिल ही ना सकती, अब तो हमारा प्रमोशन भी पक्का है। मेरा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट कर रहे हो मुझे? करूंगा यार कुछ ना कुछ। करूंगा क्या, मैंने जो आपको व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी ना नेकलेस की, मुझे वही गिफ्ट चाहिए, वो मुझे काफी पसंद आया। तुम्हें गिफ्ट की लग रही है यार, मेरा काम धंधा सब बंद हो चुका है। यार क्या है तुम्हारा हर बार का यही है। हेलो सर बैठो। और बताइए सर चाय मंगाई जाए या कॉफी? अरे आप चाय कॉफी छोड़िए, आप पहले ये बताइए आप कितने पैसे मांग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के? सर मैंने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस काम में। आपको भी पता होगा इतने पैसे इन्वेस्ट करके आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। हम इसकी इतनी कीमत नहीं दे सकते, बॉस ने कहा है 80 लाख रुपए में डील डन करूँ, हम इससे ज़्यादा आपको एक भी रुपया नहीं दे सकते। लेकिन सर इसमें मुझे क्या प्रॉफिट होगा? आपको ये ज़मीन बेचकर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये ज़मीन नहीं बेची तो आपको ज़रूर नुकसान हो सकता है। आपको भी पता है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और आपको इसके इतने पैसे मिल रहे हैं, इससे आप कम से कम अपना कर्ज तो उतार ही लोगे। चलो कोई नहीं, वैसे मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें डील डन करते हैं। हाँ डील डन करते हैं। चलो डील फाइनल हो गई है तो साथ के साथ पेपर्स भी साइन करा लेते हैं। हाँ बिल्कुल तुम पेपर्स ले आओ। लो सर ये साइन करो। सर आप ये मेरी प्रॉपर्टी खरीद कर मुझे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। मुझे किसी पर एहसान थोड़ी ना करना है, बल्कि किसी को किसी की औकात दिखानी है। वक्त सबका बदलता है, उस दिन तुम्हारा था आज हमारा है। राम राम। कपिल यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं समझ पाई। अच्छा वैसे मेरा प्यार जब ही सच्चा था, अब नहीं है। जा अब संभाल अपने बॉयफ्रेंड को। राम राम। राम राम जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करियो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल है अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, अगर पूरी वीडियो हम तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत ना आ रही है, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलती रहेंगी।
और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमने अपनी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और शेयर मार दो ठोक के। राम राम।